नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जी हाँ, काफी विद्यार्थियों के सवाल आ रहे थे कि एनसीसी कॉलेज में कैसे मिलती है। जी बिल्कुल, कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है तो उसके बाद से ही सवाल आ जाता है कि एनसीसी, एनएसएस, इन सभी के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन ले सकता है और कौन कौन इसके लेने के बाद में, इसके बाद में क्या फायदे इनको मिलते हैं। तो बिल्कुल इन सभी सवालों को मैं आज यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। कुछ सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, कॉलेज में एनसीसी कैसे मिलती है, क्या योग्यता रहती है, क्या प्रक्रिया होती है पूरी, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए और एनसीसी लेने के क्या फायदे हैं। अगर आपको एनसीसी मिल जाती है तो आने वाले समय में, भविष्य में क्या फायदे हैं, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। तो ध्यान रखें, आप वीडियो में अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं एनसीसी के बारे में। तो देखिए, एनसीसी का क्या होता है, एनसीसी कॉलेज, जिस कॉलेज में एनसीसी अवेलेबल है उसी ही कॉलेज में आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उसमें एनसीसी है ही नहीं। तो ये बहुत कम कॉलेजों में एनसीसी देखने को मिलती है। जिन कॉलेजों में एनसीसी है उनके विद्यार्थियों को ही यह एनसीसी मिलती है। ऐसा नहीं है कि एडमिशन किसी दूसरे कॉलेज में है और आप एनसीसी दूसरे कॉलेज में लेना चाहें तो यह है पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो क्लियर हुआ कि आपके कॉलेज में एनसीसी होना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज आपको बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी योग्यता जो होती है, योग्यता एक ही चाहिए इसमें, बाकी कुछ नहीं। मात्र फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को एनसीसी मिलती है, बाकी किसी भी क्लास के स्टूडेंट को एनसीसी नहीं मिलती। अब चाहे वो बीए में हो, बीएससी में हो, चाहे बीकॉम में हो, एनसीसी ले सकता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। सेकेंड ईयर फाइनल को एनसीसी नहीं मिलेगी, पीजी के स्टूडेंट को एनसीसी नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखें, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को एनसीसी मिलती है, सबसे पहली चीज क्लियर। आईओसी में का इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, आपका फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। बात करें डॉक्यूमेंट्स की, प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले प्रक्रिया को जान लेते हैं कि इसमें आपको किस हिसाब से भाग लेना है, किस हिसाब से आपकी एनसीसी होने वाली है। उसके बाद में जरूरी डॉक्यूमेंट्स और फायदे, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रक्रिया। देखो क्या होता है कि आपके कॉलेज, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, अभी फाइनल एडमिटेड लिस्ट आने वाली है, तो लिस्ट आने के बाद में आपका एडमिशन कंफर्म हो गया कि भाई आपका कॉलेज में एडमिशन है, इस कॉलेज में एडमिशन है, जो भी कॉलेज आपका है उसमें एनसीसी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यह पता करना है कि आपका एनसीसी का डिपार्टमेंट कहाँ है। आपके एनसीसी के डिपार्टमेंट के बाहर थोड़े ही दिनों में एक नोटिस आएगा, जिसको बोलते हैं एनसीसी भर्ती, यानी कि एनसीसी का नोटिस। अगर आप कॉलेज के विद्यार्थी, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट एनसीसी लेना चाहते हैं तो आप सभी के कॉलेजों में नोटिस लगेगा, जिस भी कॉलेज में एनसीसी है। ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज में नहीं हो, प्राइवेट और रेगुलर दोनों कॉलेजों में लगेगा। एक चीज ध्यान रखें, गवर्नमेंट जो कॉलेज है ध्यान रखें, एनसीसी नॉन कॉलेज स्टूडेंट को नहीं मिलती है, रेगुलर स्टूडेंट को मिलती है। तो ध्यान रखेंगे प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज जिनमें एनसीसी अवेलेबल है उनका जल्द ही आपका अगले सप्ताह तक नोटिस देखने को मिल जाएगा। नोटिस जब एडमिशन होते हैं उसके तुरंत बाद ही आपको देखने को मिल जाता है, तो एडमिशन की प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गई है और उसके बाद में नोटिस आना शुरू हो जाएंगे एनसीसी के। तो जैसे जैसे नोटिस आएगा उसके बाद में क्या आपको नोटिस देखना है, नोटिस में लिखा आएगा कि जो भी यहाँ पे फॉर्म एनसीसी लेना चाहता है वो फॉर्म भरे। तो आपको फॉर्म भरना है, गूगल फॉर्म का लिंक दिया जाता है या फिर आपके नाम वैसे लिखे जाएंगे। तो उसमें लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, इन सभी चीजों को लिखने के बाद में आपको आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। उसके बाद में क्या है, एक उसके बाद में लगभग 7 से 10 दिन बाद में एक नोटिस फिर से आता है, उसमें लिखा होता है कि आपकी दौड़, आपका जो फिजिकल है, मेडिकल है, वो यहाँ पे होने वाला है, उसमें जगह दी जाती है। लगभग जयपुर में महाराजा कॉलेज में आपका फिजिकल और मेडिकल ये सारी चीजें होती है, लिखित परीक्षा भी होती है इसमें। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले दौड़ होगी, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपके कॉलेज में एनसीसी का फॉर्म भरना है। वो थोड़े ही दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे, आपके कॉलेज से लगातार संपर्क में रहे, नोटिस बोर्ड देखते रहे, एनसीसी के फॉर्म का नोटिस जल्द ही आने वाला है। उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे ही आप फॉर्म भरने के बाद में आपको क्या करना है, अपने 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट कर लेंगे, आप तैयार कर लेंगे उनको। और आपका कॉलेज का आईडी कार्ड और आधार कार्ड सबसे जरूरी है, कॉलेज का आईडी कार्ड और आधार कार्ड कॉलेज देगा, खुद लिख के देगा आपको कि आप इस कॉलेज के विद्यार्थी हैं। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन है आपका, तो आइडेंटिटी कार्ड बनने में अगर समय लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉलेज लिखित में दे देता है कि आप इस कॉलेज के विद्यार्थी हैं, वो आप ले जा सकते हैं। तो जहाँ पे आपकी दौड़ होती है उसका नोटिस भी आपको कॉलेज से ही मिलता है। तो जहाँ पे आपकी दौड़ होगी उसमें जाने के बाद में क्या है, आपको सबसे पहले दौड़ करनी होगी, 1600 मीटर के आसपास यहाँ पे दौड़ होती है, आपको समय दिया जाता है 5.5 मिनट का, उसमें दौड़ आपको कंप्लीट करनी होती है। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, आपका फिजिकल होता है जिसमें पुशअप्स मारने होते हैं, डिप्स मारने होते हैं, बीम जो बोलते हैं हम,
वो भी मारने होते हैं वहां पे। तो उसके बाद में क्या होता है, आपकी लिखित परीक्षा होती है, मेडिकल नॉर्मल होता है, कुछ ज्यादा खास नहीं होता है एनसीसी का। लेकिन उसके बाद में क्या होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखित परीक्षा, जो रेस में क्वालिफाई कर जाएंगे। अब रेस में क्या होता है कि ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, उसके बाद में ऐसे दौड़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कॉलेज के स्टूडेंट्स का ग्रुप हो जाए, ऐसा भी नहीं है कि दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी आपको उसमें ऐड कर दिया जाता है, तो आपको साथ में दौड़ना होता है। लगभग 40 से 50 स्टूडेंट्स का ग्रुप दौड़ाए जाते हैं, उसके बाद में आपको वहाँ पे क्वालिफाई करना होता है। जो भी क्वालिफाई करेगा उसको फिजिकल देना होता है, उसके बाद में मेडिकल होगा, उसके बाद में लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में देखो क्या होता है, सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन यही होते हैं स्टूडेंट्स की, लिखित परीक्षा में क्या आएगा, क्या पढ़ना पड़ेगा। अरे रेस तो क्वालिफाई करो, उसके बाद की बातें होती है सारी। लेकिन क्या करना है, बिल्कुल सिंपल आता है लिखित परीक्षा, डेली नॉलेज का आता है, जो आपके राजस्थान के जो अभी हाल ही में करंट जीके आपका जैसे हो गया वो आता है, और नॉर्मल क्वेश्चन आपके जो एनसीसी से रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जो सेना, जो आपकी सेना, सशस्त्र सेना होती है, इन सभी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, राजस्थान का राज्यपाल कौन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मुख्यमंत्री कौन है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं, एनसीसी के डिपार्टमेंट्स कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। उसका भी मैं आपको जल्द ही पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा कि एनसीसी रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ध्यान रखें, जरूरी यही था। इसके बाद में लिखित परीक्षा के बाद में क्या होने वाला है, आपके कॉलेज में लिस्ट आएगी, यानी कि आप वहाँ पे क्वालिफाई करते हैं नहीं करते इसका पता चलेगा आपको, जो कॉलेज है उसके 5-7 दिन बाद में आपके कॉलेज में लिस्ट आ जाएगी, जिसका नाम आएगा उसको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई में वही आप जो ऑनलाइन लेके गए थे वही डॉक्यूमेंट्स ही है, 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, प्रवेश, ये आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, ये सारी चीज़ें आपको चाहिएंगी। तो ये सिंपल प्रोसेस है एनसीसी का। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, अभी कॉलेज जैसे ही आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट ईयर में, उसके बाद में कॉलेज में नोटिस आएगा तो आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद में आपको जाना है। कई बार क्या है, फॉर्म नहीं, कुछ कॉलेजों में फॉर्म नहीं भरा जाता, गूगल फॉर्म, कुछ में नाम ही लिखा जाता है। तो आपका जहाँ पे एनसीसी डिपार्टमेंट है वहाँ से आप सर से कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, और वो बता भी देंगे आपको कि एनसीसी के लिए इस हिसाब से आपकी प्रक्रिया होने वाली है। तो संपर्क में रहें, आने वाले 5 से 7 दिन में आपकी यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि एडमिशन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो ध्यान रखें, आवश्यक दस्तावेज मैंने आपको बता दिए हैं, 10th और 12th की मार्कशीट और आपका आधार कार्ड, इंपॉर्टेंट यही है, और आपका जो कॉलेज का परिचय पत्र जिसको आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं ये चाहिए, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं, फोटो तो चाहिए ही चाहिएगी। तो ध्यान रखें, अब एनसीसी के फायदे क्या है, एनसीसी लेना क्यों चाहिए ये बता देता हूँ आपको। इसके बाद में अगला वीडियो में दूंगा एनएसएस को लेकर, उसमें सभी विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये तो देखो एनसीसी का, इसमें केवल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, लेकिन एनएसएस होता है उसमें सब लेते हैं। तो एनसीसी के फायदे क्या है वो आपको बता देता हूँ। देखो भैया, इसमें जो भी बेल्ट की जितनी भी नौकरी होती है उसमें आपको बोनस अंक मिलता है एक तरीके से। और एक चीज बता देता हूँ, इसमें सर्टिफिकेट होते हैं, ये एनसीसी के सर्टिफिकेट होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड यहाँ पे सर्टिफिकेट होते हैं। तो जिसके पास भी सी सर्टिफिकेट है ना, उसको ये आपका जो आर्मी की परीक्षा होती है उसमें आपको परीक्षा देने की जरूरत ही नहीं है, रिटर्न टेस्ट लगेगा ही नहीं, आपको डायरेक्ट वहां पे लिया जाएगा। ध्यान रखिए, आर्मी के जिसके पास भी सी है, सी सर्टिफिकेट है आर्मी के लिए, एनसीसी का जिसके पास में सी सर्टिफिकेट है, वो सीधे क्या नाम है आपको आर्मी की भर्ती में सीधे ले लिया जाता है, रिटर्न टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ध्यान रखिए, उसके बाद में बाकी में क्या है, 8% अंक मिलते हैं, 5% आप 5 अंक मिल जाते हैं, 8 अंक मिल जाते हैं, इस हिसाब से आपका रहता है। राजस्थान पुलिस में भी सेम यही है, 10 अंक मिलते हैं, 8 अंक मिलते हैं, 6 अंक मिलते हैं, मतलब कि इनके हिसाब से है, सर्टिफिकेट के हिसाब से, जिसके पास जैसा भी सर्टिफिकेट है उस हिसाब से मिलते हैं। सी सर्टिफिकेट का सबसे ज्यादा फायदा है, एनसीसी 3 साल की होती है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, लेकिन ले सकते हैं आप केवल फर्स्ट ईयर में, उसके बाद में आपको 3 साल कंटिन्यू करना पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे, एनसीसी को आप थोड़ा सीरियसली लेंगे, अनुशासन में लेंगे, अनुशासन मनाएंगे एनसीसी के थ्रू, तो ध्यान रखिए। एनसीसी से संबंधित यही फायदे हैं कि आपको राजस्थान पुलिस की नौकरी हुई, दिल्ली पुलिस की नौकरी हुई, आर्मी की नौकरी हुई, बेल्ट की जितनी भी नौकरी है वहाँ पे बोनस अंक मिलता है, और सी सर्टिफिकेट जिसके पास होता है उसको यहाँ पे रिटर्न टेस्ट देना ही नहीं पड़ता आर्मी में। तो ये इंपॉर्टेंट है एनसीसी के लिए जिनके पास, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, जिसके पास स्कूल में रहा है एनसीसी उसको तो बिल्कुल भाग लेना है कॉलेज की एनसीसी में, सबसे ज्यादा चांस आपके एनसीसी मिलने के रहेंगे, क्योंकि आपके पास पहले से आप एनसीसी ट्रेंड है, वहां से निकले हुए हैं स्कूल से, आपके पास पहले से सर्टिफिकेट रहा हुआ है। तो ध्यान रखें, आपको सर्टिफिकेट की वहां पे वैल्यू होगी और बिल्कुल आपको एडमिशन मिलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे एनसीसी में। तो ध्यान रखें, एनसीसी से रिलेटेड ये वीडियो था, आने वाले समय में जैसे ही नोटिस आएगा, जिस भी कॉलेज का नोटिस मेरे पास पहुंचेगा मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो ध्यान रखें, टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आपको नोटिस मिल जाएंगे जैसे ही आएंगे। बाकी आप कॉलेज से खुद भी संपर्क में रहेंगे आने वाले समय में, अगले 1 सप्ताह तो इसे आपको सारे नोटिस मिलते रहेंगे, इसे ध्यान रखेंगे।
इससे संबंधित कोई सवाल आपका रह गया हो तो चैनल पर कमेंट करेंगे, आपको सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। या फिर एक चीज ध्यान रखें, हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ जाएंगे, जिससे आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ध्यान रखें, एनसीसी लेनी है, बिल्कुल लेनी है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो भाग्य आजमाइए एनसीसी में। सीटें हर कॉलेज की 20 से 30 रहती है, उसमें गर्ल्स की भी सीटें होती है 5-7, तो आपके लिए सीटें कम होती है। फोरम लगते हैं लगभग 400-500 स्टूडेंट्स के, यहाँ पे 400-500 स्टूडेंट दौड़ने जाते हैं लेकिन लास्ट में रह जाते 30 ही। तो प्रोसेस ही ऐसा होता है, फिजिकल पहले तो दौड़ हो जाती है, उसके बाद फिजिकल मेडिकल, ये आपका जो लिखित परीक्षा, इस हिसाब से आपको छाटने हो जाते हैं वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे, लेकिन एक चीज बता देता हूँ, लिखित परीक्षा बहुत आसानी से मतलब कि पास कर सकते हैं, उसमें ज्यादा कुछ हार्ड आएगा नहीं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दौड़ पास करना। दौड़ पास करिए, उसमें अगर आप एक्सेलेंट मार जाते हैं तो आपके लिए चांस बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखे, एनसीसी का वीडियो था, आने वाले समय में एनएसएस का वीडियो भी अवेलेबल करवाऊंगा, वो सभी लोग ले सकते हैं। तो ध्यान रखे, ऐसे वीडियो आपको कॉलेज शिक्षा से संबंधित मिलते रहे, आपके कॉलेज एजुकेशन से मिलते रहे। तो ध्यान रखे, आने वाले समय ऐसे वीडियो मिले, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कठपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, तथा बेल आइकन प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, जिससे एनसीसी सभी को मिल सके, जो पात्र हैं उनको तो मिल सके। अगर आपने देखा है वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।